सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं तुम सभी लोगों के टॉपिक्स पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा एंड इसी के साथ साथ टॉप 5 एकिलिस वाली वीडियो पर ये कमेंट भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि टॉप 5 एवोल्यूशन बेस के ऊपर वीडियो बनाओ। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों को बताने वाला हूं टॉप 5 बेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल एवोल्यूशन बेस इन बेबलेड बर्स्ट एवोल्यूशन। एंड इस वीडियो में मैं जितने भी एवोल्यूशन बेस को रैंक करूंगा वो मैं उनके स्टॉक कॉम्बो के हिसाब से ही रैंक करूंगा कि इनका स्टॉक कॉम्बो रियल लाइफ में एक दूसरे के कंपैरिजन में कितना ज्यादा अच्छा है। एंड जिस भी एवोल्यूशन बे का स्टॉक कॉम्बो सबसे ज्यादा अच्छा होगा वही नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचेगा। तो अब जब मैंने तुम्हें बता दिया है कि इस वीडियो में मैं कैसे सभी एवोल्यूशन बेस को रैंक करने वाला हूं, तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी रैंकिंग्स बताऊं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इसी बंदे पे एक जल्दी ही वीडियो आने वाली है, एक काफी स्पेशल वीडियो आने वाली है। तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड जरूर रहना। एंड अगर वो कुछ दिनों बाद तक नहीं आई तो समझ जाना वो थोड़े और दिनों बाद आएगी। एंड अगर थोड़े और दिनों बाद भी नहीं आती है तो समझ जाना वो वीडियो ही नहीं आएगी। लेकिन अब जब मैंने तुम्हें बता दिया इस बारे में, तो चलो अब अपनी रैंकिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नंबर 1 एवोल्यूशन बे है उसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी बात कर लेते हैं 5th पोजीशन के बेस्ट एवोल्यूशन बे के बारे में। एंड ये है स्ट्राइक गॉड वैल्करी। सो देखो, बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में बहुत सारे बेस थे एंड वो बेस काफी ज्यादा औसम भी थे, एक दूसरे के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छे थे। एंड इसलिए ही स्ट्राइक गॉड वैल्करी इतने लास्ट प्लेस पर रैंक करता है मेरी रैंकिंग्स में। एंड ये इस प्लेस पर इसलिए भी रैंक करता है क्योंकि पहले तो इसके टीथ उतने अच्छे नहीं है, डिस्क इतनी ज्यादा हैवी नहीं है, लेकिन जो रीजन है जिसकी वजह से ये 5th प्लेस पर रैंक करता है वो है इसका ड्राइवर। मैं बात कर रहा हूँ अल्टीमेट रीबूट के बारे में। एंड ये ड्राइवर एक काफी अच्छा ड्राइवर था, मतलब जितने भी ड्राइवर्स बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में आए थे उनके कंपैरिजन में। एंड ये काफी हार्ड हिट करता था, लेकिन जो इसके टीथ है उसकी वजह से ये बर्स्ट भी हो जाता था, तो इसलिए ही मैंने इसे 5th प्लेस पे रखा है। ऐसा कोई ऑसम गिमिक नहीं है इस बे में। तो चलो अब बात कर लेते हैं 4th पोजीशन के बेस्ट एवोल्यूशन बे के बारे में। एंड ये बे है नाइटमेयर लॉन्गिनस। सो देखो, बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन के टाइम पे नाइटमेयर लॉन्गिनस एक सच का नाइटमेयर था कि अगर तुम्हारा अपोनेंट नाइटमेयर लॉन्गिनस बंप एक्सट्रीम चुन लेता है तो समझो तुम अपना बैटल ही हार चुके हो, क्योंकि ये बे इतना ज्यादा हेवी हिट करता था, इतने ज्यादा अच्छी तरीके से हिट करता था कि तुम्हारा बे या तो बर्स्ट हो जाएगा या फौरन ही रिंग आउट फिनिश हो जाएगा। एंड ये बे को हराना काफी ज्यादा मुश्किल था उस टाइम पे। अगर तुम बेरिंग ड्राइवर यूज कर रहे हो उस टाइम पर तो ये आराम से उसे बर्स्ट कर देता था, लेकिन इसे अटोमिक ड्राइवर के सामने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी एंड वही इसका काउंटर पार्ट भी था। वहीं अगर मैं बात करूं इस बे के स्टॉक कॉम्बो के बारे में तो वो भी एक काफी अच्छा कॉम्बो था, लेकिन इसमें यही प्रॉब्लम रहती थी कि ये स्क्रैप काफी ज्यादा करता था, इसलिए ही ये 4th प्लेस पर रैंक करता है। नहीं तो अगर तुम इसकी सिर्फ लेयर को देखोगे तो ये 2nd प्लेस डिजर्व करता ही है, लेकिन इसके ड्राइवर की वजह से ये 4th प्लेस पर रैंक करता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं 3rd प्लेस के बेस्ट एवोल्यूशन बे के बारे में। एंड ये एवोल्यूशन बे है ड्रेन फैफनियर। सो देखो, बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन के टाइम पे ड्रेन फैफनियर का एक काफी पॉपुलर कॉम्बो था जो कि मेरे हिसाब से स्पेशली बनाया गया था नाइटमेयर लॉन्गिनस बंप एक्सट्रीम को हराने के लिए। एंड ये कॉम्बो था ड्रेन फैफनियर पॉलिश अटोमिक। सो देखो, ये जो कॉम्बो था वो अटैक टाइप बेस के सामने काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि देखो फैफनियर के टीथ उस टाइम पर काफी ज्यादा अच्छे थे एंड जो इसकी डिस्क एंड जो इसका ड्राइवर है उसकी वजह से ये रिंग आउट फिनिश नहीं होता था, क्योंकि जो पॉलिश डिस्क है वो नीचे की तरफ फोकस है जिसकी वजह से अगर बे को हिट लगेगा भी तो डिस्क है वो एजेस से नीचे से टकरा कर वापस सेंटर में आ जाएगी। एंड अटोमिक ड्राइवर की पावर को तो तुम जानते ही होगे, एंड इसलिए ही मैं कह रहा हूं कि ये काउंटर पार्ट था नाइटमेयर लॉन्गिनस बंप एक्सट्रीम का, क्योंकि देखो नाइटमेयर लॉन्गिनस इसे स्पिन इक्वलाइजेशन भी नहीं कर सकता क्योंकि ड्रेन फैफनियर भी एक लेफ्ट स्पिन बे ही है। एंड वहीं अगर मैं बात करूं इसके स्टॉक कॉम्बो के बारे में तो ये काफी नॉर्मल या तुम इसे हायर लेवल पर भी कह सकते हो, क्योंकि पहले जो इसका स्पिन स्टील वाला गिमिक है उसकी वजह से ये मोस्ट ऑफ राइट स्पिन बेस को काफी आराम से हरा देता था, लेकिन ये साथ ही साथ कुछ लेफ्ट स्पिन बेस को भी हरा देता था जैसे कि नाइटमेयर लॉन्गिनस। एंड इसलिए ही मैंने इसे 3rd प्लेस पर रैंक किया है। तो चलो अब बात कर लेते हैं 2nd प्लेस के बेस्ट एवोल्यूशन बे के बारे में। एंड ये सुनके शायद तुम थोड़ा बहुत शॉक हो सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक कॉम्बो है टोर्नेडो वाइब्रॉन। सो देखो, टोर्नेडो वाइब्रॉन को मैंने 2nd प्लेस पर इसलिए रखा है क्योंकि पहले तो तुम्हें इसके स्टॉक कॉम्बो में डायरेक्टली अटोमिक ड्राइवर देखने को मिलता है एंड साथ ही साथ जो इसकी लेयर है उसमें तुम्हें एक फ्री स्पिनिंग व्हील भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे बे पर अटैक करेगा तो पहले तो मोस्ट ऑफ जो इसकी अटैक पावर होगी वो स्किप हो
जाएगी एंड जितनी भी पावर का इम्पैक्ट तुम पर लगेगा उसे अटोमिक ड्राइवर काफी आराम से संभाल लेगा। लेकिन इसे मैं नंबर वन पोजिशन पर भी रख सकता था बट मैंने इसे नंबर वन पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि पहली चीज इसके जो टीथ है वो बाकी एवोल्यूशन बेस की कंपेरिजन में काफी वीक है, मतलब ज्यादा भी वीक नहीं है, जस्ट नॉर्मल वीक टीथ है। एंड साथ ही साथ जो इसकी डिस्क है वो भी उतनी ज्यादा हैवी नहीं है, तुम कह सकते हो नॉर्मल से थोड़ी कम हैवी डिस्क है एंड यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने इसे सेकंड प्लेस पर रैंक किया है। अगर इसकी डिस्क भी हैवी होती तब भी मैं इसे नंबर वन पर रख देता, लेकिन इसकी डिस्क उतनी ज्यादा हैवी नहीं है इसके स्टॉक कॉम्बो में, तो इसलिए ही मैंने इसे सेकंड प्लेस पर रैंक किया है। एंड मैं कहूंगा ये जो टोर्नेडो वाइवरॉन है वो सभी लेफ्ट स्पिन बेस के लिए एक काउंटर पार्ट था, क्योंकि तुम जानते ही होगे लेफ्ट स्पिन बेस राइट स्पिन बेस से या तो स्पिन इक्वलाइजेशन कर लेते हैं या फिर स्पिन स्टील कर लेते हैं। लेकिन जो ये टोर्नेडो वाइवरॉन है इसकी लेयर के साइड में जो तुम फ्री स्पिनिंग डिस्क देख सकते हो उसकी वजह से कोई भी लेफ्ट स्पिन बे इसके साथ स्पिन इक्वलाइजेशन नहीं कर सकता एंड इसी के साथ साथ स्पिन स्टील भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब अपोनेंट का लेफ्ट स्पिनिंग बे तुम्हारे टोर्नेडो वाइवरॉन को हिट करेगा, क्योंकि देखो जो लेफ्ट स्पिन बे होगा वो जो तुम्हारा फ्री स्पिनिंग व्हील है उसके साथ इंटरैक्ट करेगा एंड जब तुम्हारा मेन बे होगा वो तो स्पिन कर ही रहा होगा लेकिन जो फ्री स्पिनिंग व्हील है वो रुक जाएगा जब भी तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि वो फ्री स्पिनिंग है एंड वो अपोनेंट के हिसाब से घूमेगा, मतलब अपोनेंट का बे उसे जिस डायरेक्शन में हिट कर रहा है वो उस डायरेक्शन में घूमेगा, ना कि जो उसका खुद का बे घूम रहा है उस डायरेक्शन में, क्योंकि जो दूसरा बे है वो उस पे प्रेशर डाल रहा है। तो इसकी वजह से जो ड्रेन फैफनियर जैसे वेवलेट है वो पहले तो स्पिन स्टील नहीं कर सकते इसकी वजह से, क्योंकि जो ब्लेड है या तो वो रुक जाएगा या फिर वो उस लेफ्ट स्पिन बेस की डायरेक्शन में घूमने लगेगा। एंड जो नाइटमेयर लॉन्गिनस जैसे बे हैं जो कि स्पिन इक्वलाइजेशन करते हैं उनके साथ भी सेम ही सीन होगा, क्योंकि जैसे ही वो इसकी फ्री स्पिनिंग डिस्क पर हिट करेंगे वो डिस्क रुक जाएगी या फिर लेफ्ट स्पिन में ही स्पिन करने लगेगी, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी स्पिन नहीं मिलेगी एंड वो बल्कि रुक ही जाएंगे। सो यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि टोर्नेडो वाइवरॉन लेफ्ट स्पिन बेस के काउंटर के लिए ही बना है एंड यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने इसे ड्रेन फैफनियर से भी ऊपर रैंक किया है एंड नाइटमेयर लॉन्गिनस से भी ऊपर रैंक किया है। तो चलो अब बात कर लेते हैं नंबर वन पोजीशन के बेस्ट एवोल्यूशन बे के बारे में एंड शायद इस बे को भी तो तुमने गेस कर ही लिया होगा, क्योंकि ये बे है हमारा आइकॉनिक फ्रेगन रेक्रियम। सो अब इस बे के बारे में मैं क्या ही बात करूं, पहले तो ये डुअल स्पिन में स्पिन कर सकता है, साथ ही साथ इसकी लेयर में मेटल लगा है जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा हार्ड हिट करता है, साथ ही साथ इसकी लेयर में रबड़ भी लगी है जिसकी वजह से ये अपने लेफ्ट स्पिन बेस से भी स्पिन स्टील कर सकता है एंड साथ ही साथ राइट स्पिन बेस से भी स्पिन स्टील कर सकता है। एंड इसी के साथ साथ तुम्हें इसमें बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन की सबसे हैवी फोर्ज डिस्क देखने को मिलती है, मैं बात कर रहा हूँ जीरो डिस्क के बारे में। एंड वहीं अगर मैं बात करूँ इसके ड्राइवर के बारे में तो वो मैं कहूँगा एक डिसेंट सा ड्राइवर है, ज्यादा अच्छा भी नहीं है एंड ज्यादा बेकार ड्राइवर भी नहीं है, क्योंकि जरा सोचो टकरा टॉमी वाले अगर स्प्रेगन रेक्रियम को एक काफी अच्छा ड्राइवर दे देते तो सोचो ये बे कितना ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाता। अगर कोई बंदा स्टॉक कॉम्बो में बैटल कर रहा है तो हर बार स्प्रेगन रेक्रियम ही जीतता, तो शायद ये भी रीजन हो सकता है कि इन्होंने इसे जेटा ड्राइवर इसलिए दिया हो। एंड ये चीज एक ठीक ठाक चीज भी है, क्योंकि कोई चीज ज्यादा ओवर पावर भी नहीं होनी चाहिए। सो यही थी आज की वीडियो टॉप 5 बेस्ट एवोल्यूशन बेस के बारे में। सो अब अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है या इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इसी के साथ साथ मैंने अपना एक शॉर्ट स्टाइल भी बनाया है तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो एंड ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड मैं जल्दी ही तुम सभी के टॉपिक्स पर वीडियो लेके आऊंगा। एंड अगर तुम्हारा कोई नया टॉपिक भी है जिसे तुम चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो उसे भी कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो ला पाऊं। लेकिन अभी के लिए सब्सक्राइब नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।